नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी ये फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत सौ करोड़ रुपये हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के जी एफ चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं कि आपने के जी एफ चैप्टर टू देखा है ज़रूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे और किसी नई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ। तो दोस्तों KGF चैप्टर टू, रिव्यू को को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में वनीय फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत सौ करोड़ रुपए हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार बारह सौ से बारह सौ पचास करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के जी एफ़ चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं कि आपने के जी एफ़ चैप्टर टू देखा है ज़रूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे और किसी नई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के जी एफ चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के जी एफ चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के जी एफ चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश दास वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत सौ करोड़ रुपये हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 पचास करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के जी एफ चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं कि आपने के जी एफ चैप्टर टू देखा है ज़रूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे और किसी नई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ। जी हाँ। तो दोस्तों KGF चैप्टर टू, रिव्यू को को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के जी एफ चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के जी एफ चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नज़र आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था। इस फिल्म की लागत करोड़ रुपए हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 पचास करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के जी एफ चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं कि आपने के जी एफ़ चैप्टर टू देखा है ज़रूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे और किसी नई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के जी एफ चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के जी एफ चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में वनीय फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत 100 करोड़ रुपए हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं कि आपने के चैप्टर टू देखा है ज़रूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे और किसी नई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ। तो दोस्तों के जी एफ चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों, के साथ भी जरूर कर दोस्तों आपको बता दें कि टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के जी एफ चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के जी एफ चैप्टर टू को चौदह अप्रैल दो को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नज़र आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी ये फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत 100 करोड़ रुपए हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं क्या आपने के जी एफ चैप्टर टू देखा है ज़रूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे और किसी नई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के जी एफ चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के जी एफ चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के जी एफ चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत सौ करोड़ रुपये हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 पचास करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं कि आपने के चैप्टर टू देखा है जरूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे और किसी नई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के जी एफ चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के जी एफ चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के जी एफ चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के जी एफ चैप्टर टू को चौदह अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नज़र आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी ये फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत सौ करोड़ रुपए हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 पचास करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्म में से एक फिल्म के चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं क्या आपने के जी एफ चैप्टर टू देखा है जरूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे और किसी नई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस इस फिल्म 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 की भारत में बनी ये फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत सौ करोड़ रुपए हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं कि आपने के चैप्टर टू देखा है ज़रूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे और किसी नई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नज़र आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में वनीय फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत सौ करोड़ रुपए हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 पचास करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं क्या आपने के जी एफ चैप्टर टू देखा है ज़रूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे और किसी नई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नज़र आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत सौ करोड़ रुपए हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 पचास करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के जी एफ चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं क्या आपने के जी एफ चैप्टर टू देखा है ज़रूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे और किसी नई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाव। जी हाँ। तो दोस्तों के जी एफ चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के जी एफ चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के जी एफ चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के जी एफ चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी ये फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत सौ करोड़ रुपए हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 पचास करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं क्या आपने के जी एफ चैप्टर टू देखा है जरूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे और किसी नई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत 100 करोड़ रुपए हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के जी एफ चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं क्या आपने के जी एफ चैप्टर टू देखा है ज़रूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे और किसी नई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में वनीय फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत सौ करोड़ रुपए हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं क्या आपने के जी एफ चैप्टर टू देखा है जरूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे और किसी नई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नज़र आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में वनीय फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत सौ करोड़ रुपए हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के जी एफ चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं कि आपने के जी एफ चैप्टर टू देखा है ज़रूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे और किसी नई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नज़र आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में वनीय फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत 100 करोड़ रुपए हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं क्या आपने के चैप्टर टू देखा है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के जी एफ चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के जी एफ चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के जी एफ चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत सौ करोड़ रुपये हुई थी जी हां और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 पचास करोड़ का कुल कारोबार नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को चौदह अप्रैल दो हज़ार को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नज़र आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी ये फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत 100 करोड़ रुपए हुई थी जी हां और इसका कुल कारोबार बारह से बारह नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के जी एफ चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के जी एफ चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के जी एफ चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में वनीय फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत सौ करोड़ रुपये हुई थी जी हां और इसका कुल कारोबार नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के जी एफ चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के जी एफ चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के जी एफ चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत 100 करोड़ रुपए हुई थी जी हाँ और नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म KGF चैप्टर टू, एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में वनीय फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के जी एफ चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के जी एफ चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में वनी फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के जी एफ चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के जी एफ चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के जी एफ चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के जी एफ चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के जी एफ चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के जी एफ चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी ये फिल्म है और इस फिल्म नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के जी एफ चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के जी एफ चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के जी एफ चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी ये फिल्म है और इस फिल्म का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नज़र आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी ये फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के जी एफ चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के जी एफ चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के जी एफ चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के जी एफ चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के जी एफ चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नज़र आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश राज वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में वनीय फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में दोस्तों फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होगी बहुत सारी फिल्में आपको हंसाती हैं इमोशनल करती हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कि आप देखने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं आज इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है के चैप्टर टू जो कि एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है दोस्तों के चैप्टर टू इस फिल्म की कहानी और इनके किरदारों के बारे में आपको बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला वाओ जी हाँ तो दोस्तों के चैप्टर टू रिव्यू को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें कि के जी एफ चैप्टर टू एक भारतीय कन्नड़ भाषा का एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म के जी एफ चैप्टर टू एक अध्याय पहला का अगली कड़ी है वहीं के जी एफ चैप्टर टू को 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दिया गया था अब बात करेंगे हम इसकी कमाई के बारे में लागत के बारे में और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको लीड रोल में एक्टर्स नजर आएंगे वह है यशराज संजय दत्त श्रीनिधि सेठी रवीना टंडन प्रकाश दास वहीं इसके निर्देशन आपको बता दें कि प्रशांत नील ने किया है इस फिल्म की भारत में बनी फिल्म है और इस फिल्म का भाषा कन्नड़ था जिसे कि हिंदी में भी डब कर दिया गया था इस फिल्म की लागत सौ करोड़ रुपये हुई थी जी हाँ और इसका कुल कारोबार 1200 से 1250 करोड़ का कुल कारोबार रहा था जी हाँ यह फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के जी एफ चैप्टर टू भी रही थी तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं कि आपने के जी एफ चैप्टर टू देखा है ज़रूर बताइएगा नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किसी प्रकार से कैसे मूवियों को आप जीवन में एक अच्छे वे में पॉजिटिव वे में देख सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे और किसी नई